दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सिंपल पे लेटर सर्विस के बारे में। इस सर्विस को यूज करते हुए मुझे लगभग एक साल से ऊपर हो गए हैं, सो लेट्स स्टार्ट। बट अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन से। दोस्तों सिंपल एक मोबाइल बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली पे लेटर एप्लीकेशन है जो कि 2015 में इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी। बात करें इसकी पेरेंट कंपनी की तो ऑन सिग्मा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। अभी के टाइम में इस सर्विस के 7 मिलियन से ज्यादा के यूजर्स हैं, 26,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन मर्चेंट पे ये सर्विस अवेलेबल है और 49 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। दोस्तों ये सर्विस अवेलेबल है गूगल प्ले और iOS दोनों यूजर्स के लिए। बात करें गूगल प्ले पे रेटिंग की तो इसके 50 लाख से भी ज्यादा के डाउनलोड्स है, 4.5 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस सर्विस को रेट किया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की ओर, बात करते हैं बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में। इस सर्विस को यूज करने में आपको किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगा, न ही किसी भी प्रकार का एनुअल चार्ज लगेगा, न ही कोई भी आपको मेंटेनेंस फीस भी देनी पड़ेगी। इसमें किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस भी नहीं लगाए जाते हैं। दोस्तों आपको इसमें क्रेडिट लिमिट इजिली मिल जाती है। क्रेडिट लिमिट इनरोल करने के लिए किसी भी प्रकार के क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। इसमें आपको 20,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। इस क्रेडिट लिमिट को यूज करके आप बहुत जगह मर्चेंट्स पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, काफी जगह इसकी सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको पे इन थर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने बिल को स्प्लिट कर सकते हो 3 पार्ट में। उसके अलावा इस सर्विस के अंदर आपको बिल बॉक्स की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है जिसका यूज करके आप रिचार्जेस बिल पेमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों सिंपल पे लेटर को जब आप यूज करोगे तो आपको अच्छे खासे ऑफर्स भी मिलते रहेंगे, रिवार्ड्स रेट भी मिलेगा और कैशबैक भी ये प्रोवाइड करते हैं जब आप मर्चेंट ट्रांजेक्शन करते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इस सर्विस को कैसे अवेल कर सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है और आपको कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करना है जैसा कि मोबाइल नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई और आपका एड्रेस। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा देन आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देंगे। मेरे हिसाब से आप अपना पुराना नंबर यूज करिएगा ताकि आपको ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिले। इनिशियली क्रेडिट लिमिट कम रहेगी, जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाओगे तो आपकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दी जाएगी। मेरे केस में मुझे पहले 500 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली थी और अभी एक साल हो गए और मेरी क्रेडिट लिमिट 9,000 रुपए कर दी गई है। तो इस तरीके से आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चार्जेस एंड रीपेमेंट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बिलिंग पीरियड्स की, तो इसका बिल जनरेट होता है हर महीने में 2 बार। अब बात करते हैं लास्ट ड्यू डेट की, तो आपको हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख के अंदर आपको रीपेमेंट करना जरूरी हो जाता है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने क्रेडिट लिमिट को 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में इस्तेमाल किया है तब इसका जो ड्यू डेट आएगा उसके 5 दिन के बाद यानी कि 20 मार्च तक आपको इसका रीपेमेंट करना जरूरी हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब मान के चलते हैं आपने क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल किया है 16 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में, तब आपको इसका ड्यू डेट मिल जाएगा 5 अप्रैल अगले महीने की और आपको रीपेमेंट करना जरूरी हो जाएगा। दोस्तों जो भी आपने क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल किया है दिए गए टाइमलाइन के अंदर अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तब आपको लेट फीस भी देना पड़ेगा। अब दोस्तों लेट फीस किस तरीके से एप्लीकेबल होगी ड्यू के साथ, आइए जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ अमाउंट का यूज किया है 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में जिसका आपको बिल पेमेंट 20 मार्च तक करना जरूरी हो जाएगा। अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं करते हो तब आपको लेट फीस लगेगा। अगर आपका बिल अमाउंट 0 से लेके 500 के बीच में है तब आपको 25 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आपका बिल अमाउंट 500 से लेके 1000 के बीच में है तब आपको 50 रुपए का चार्ज लगेगा। 1001 से लेके 2500 के बीच में आपको 100 रुपए का चार्ज लगेगा। 2501 से लेके 7500 के बीच में आपको 250 रुपए का चार्ज लगेगा और 7500 से ज्यादा की ड्यू में आपको 600 रुपए का चार्ज लगेगा। दोस्तों अगर आप बिल जनरेट होने के 20 दिन के अंदर रीपेमेंट नहीं करते हो तब आपको एडिशनल चार्ज लग सकता है। एडिशनल चार्ज सेम ही स्ट्रक्चर वाइज लगेगा, मतलब ये चार्ज के साथ आपको डबल चार्ज देना पड़ सकता है, इसीलिए आप अपने बिल को टाइम से पे कर देना। और अगर आप 30 दिन का टाइम लगा देते हो फिर भी आप रीपेमेंट नहीं करते हो, ड्यू डेट ओवर हो जाती है, तब आपका सिंपल के अकाउंट या तो टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सेफ्टी हर जगह जरूरी है, चाहे वो बात हो गर्लफ्रेंड की या फिर सिंपल पे लेटर की। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हिडन चार्जेस की, तो आपको अप टू 39 रुपए तक का चार्ज लग सकता है अगर आप इसके अंदर जो बिल बॉक्स की सुविधा मिलती है उसका यूज करके रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट करते हो तब। दोस्तों अब बात करते हैं सिंपल पे लेटर के खास फीचर्स के बारे में, पे इन थर्ड ऑप्शंस के बारे में कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों सिंपल पे लेटर सर्विस को यूज करके आप सिलेक्टेड मर्चेंट एंड साइट में टोटल परचेस वैल्यू को 3 पार्ट में डिवाइड
ऐड करके पेमेंट कर सकते हो। अब ये काम कैसे करेगा उसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। मान के चलिए आपने कोई परचेस 1 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में किया है, तब आपको पहली इंस्टॉलमेंट सेम मंथ में दे देना होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 5 अप्रैल को देना होगा। टोटल अमाउंट के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट लगेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको मई में पे करना होगा टोटल परचेस वैल्यू के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं केस नंबर 2 की। अगर आपने कोई परचेस 21 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में किया है तब भी आपको सेम डेट में ही रीपेमेंट करना होगा, जो कि पहले वाले के लिए मैंने आपको बताया है। दोस्तों इस वीडियो पे मैंने मार्च के महीने को एज एग्जांपल के तौर पे यूज किया है, आप किसी भी महीने को यूज कर सकते हो और उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स के आधार पे आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। अगर बात करें मेरे ओपिनियन की तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सर्विस को यूज करें, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफी अच्छा रहा है बाकी पे लेटर के मुकाबले। दोस्तों अगर मैं इसके कुछ अच्छे फीचर्स गिनाऊं तो इसके अंदर आपको बिल बॉक्स की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है, पे इन थर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और किसी भी प्रकार के क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है जब भी आप इसे इनरोल करते हो। बात करें इसके ड्रॉबैक की तो इसमें आपको इनिशियली क्रेडिट लिमिट काफी कम मिलती है, कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहता है और इसका वाइडली एक्सेप्टेंस भी नहीं है। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया या फिर एमआई स्टोर हो गया, बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट है जहाँ पास सिंपल पे लेटर एक्सेप्ट ही नहीं होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से रिसर्च की गई है, आपको हमारे कंटेंट रिसोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे जरूर चेक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तला बीस्ता।